नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको खड़गपुर रेलवे स्टेशन की हिस्ट्री के बारे में बताऊंगी, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आपको मालूम है भारत के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन में से एक है खड़गपुर रेलवे स्टेशन। खड़गपुर रेलवे स्टेशन वेस्ट बंगाल में है। इस स्टेशन का कोड KGP है। यह स्टेशन 1898 और 99 को ओपन हुआ था। इस स्टेशन का प्लेटफॉर्म दुनिया के तीसरे बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म में आता है। पहला गोरखपुर, दूसरा कोलाम जंक्शन जो केरल में है, और तीसरे नंबर पर है खड़गपुर जंक्शन, जिसके प्लेटफॉर्म की लंबाई 1072.5 मीटर्स यानी 3519 फीट है। यह रेलवे स्टेशन ईयर 1947 से पहले बंगाल नागपुर रेलवे स्टेशन के अंदर आता था, फिर इसे 1966 में बदलकर ईस्टर्न रेलवे को दे दिया गया। इस स्टेशन के मेन लाइन हावड़ा मुंबई, हावड़ा चेन्नई और हावड़ा आंध्रा है। इस स्टेशन पर 10 प्लेटफॉर्म्स हैं। यह स्टेशन इतना बड़ा है कि यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 एवं 2 और 4 आपस में मिले हुए हैं, जैसे कि कोरामंडल एक्सप्रेस ट्रेन जिसके की 24 कोच हैं। यह ट्रेन इस स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर रुकती है और प्लेटफॉर्म नंबर 1 तक जाकर इसकी कोच खत्म होती है। यहाँ से हर रोज लगभग 275 ट्रेनें पास होती हैं। यहाँ की भीड़ को देखकर रेलवे ने यहाँ से 176 ट्रेन्स डेली चलाई हैं, जिसमें से 4 सबर्बन के लिए और 6 लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन हैं। यहाँ पर सभी एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनें रुकती हैं जो हावड़ा को होकर चेन्नई और मुंबई को जाती है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन को 6 अक्टूबर 2013 को बनाया गया था। इससे पहले खड़गपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म कई वर्षों तक वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म कहलाया जाता था। खड़गपुर रेलवे स्टेशन के पास एशिया का लार्जेस्ट रेलवे सॉलिड स्टेट इंटरलॉक सिस्टम SSI है। बंगाल नागपुर रेलवेज ने ईयर 1899 में खड़गपुर कटक लाइन को चालू किया था और साथ ही साथ 19 अप्रैल 1990 को कोलाघाट में रूप नारायणा नदी पर पुल की ओपनिंग की, जिससे खड़गपुर के साथ हावड़ा लाइन मिली। ईयर 1901 को खड़गपुर मिदनापुर ब्रांच लाइन ओपन की गई। खड़गपुर रेलवे स्टेशन के भीड़ को देखकर साउथ ईस्टर्न रेलवे ने हिजली स्टेशन को IIT खड़गपुर के पास बनाया। यह रेलवे स्टेशन खड़गपुर के लिए अल्टरनेट रेलवे स्टेशन है। यहाँ से बालासोर की तरफ आने वाली एवं आंध्रा और टाटा नगर की ओर जाने वाली ट्रेन हिजली में रुकने के बाद खड़गपुर जाती है। साथ ही इन दोनों स्टेशनों से कई सारी EMU ट्रेन्स चलाई गई हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसी वीडियोस के लिए लाइक करें हमारा चैनल ट्रैवल खाना। टू ऑर्डर हेल्दी एंड डिलीशियस फूड फॉर योर ट्रेन जर्नी कॉल ट्रैवल खाना @8800313131